हाय फ्रेंड्स, दी विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो का विषय है अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चार टॉपिक्स से, ये जो अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण है, इनसे 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर देखा गया है जिनमें हिंदी से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, उसमें हिंदी ग्रामर की ये जो टॉपिक्स हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे हमेशा 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो आइए इन सब टॉपिक्स को आज जानेंगे कि अघोष, सघोष क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण क्या है, कैसे इनको पहचानेंगे और क्या क्या इन टॉपिक से कौन कौन से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं और उनका विभाजन क्या है। थोड़ा सा इसका संक्षिप्त ज्ञान मैं दे देता हूं, हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड किया है। तो पहले जानेंगे स्वर। देखिए, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में जो स्वर है वो 11 है, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। इस तरह से ये 11 स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में है। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं क्योंकि उनकी गणना न तो स्वर में होती है न तो व्यंजन में होती है। वे स्वर और व्यंजन के मध्य की एक कड़ी है, उसमें अ का उच्चारण पाया जाता है। जैसे अंग अनुस्वार है, अनुस्वार में अंग अ का भी उच्चारण पाया जाता है और व्यंजन अंग का भी उच्चारण पाया जाता है, अंग का भी। इसलिए वह स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी है, इसलिए उसको अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अह भी इसी तरह से देख लीजिए, जिसको हम विसर्ग कहते हैं उसमें अ का भी उच्चारण होता है और ह का भी उच्चारण पाया जाता है, इसलिए वह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी हो जाता है। आइए देख लेते हैं कि व्यंजन कौन कौन से हैं। व्यंजन में देखिए, हमारे व्यंजन में कुछ वर्ग भी विभाजित हैं, तो मैं वर्ग के साथ में लिख रहा हूं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं जो व्यंजन के प्रारंभ की 5 लाइनों में, 5 पंक्तियों में पाए जाते हैं। और हर एक वर्ग का जो हर एक पंक्ति का या हर एक लाइन का पहला अक्षर जो है उसके नाम से वर्ग का नाम रखा गया है। क वर्ग में 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये अंग है, क, ख, ग, घ, अंग। इस तरह से च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। ये स्वर के साथ में लिखे गए हैं। अगर इन्हें स्वर रहित करके लिखना हो, बिना स्वर का लिखना हो, तो इनके नीचे हम हलंत लगा करके लिख सकते हैं। प वर्ग में 5 अक्षर, प, फ, ब, भ, म। इन अक्षरों के उच्चारण स्थान के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। आइए अब अगले अक्षरों को देखते हैं। वे अंतस्थ हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन आते हैं, श, श, स, अर्ह। ये है आपकी वर्णमाला। इसमें संयुक्त अक्षर भी आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र।
लेकिन व्यंजन क से लेकर के ह तक ही माने जाते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर के बना होता है। अब हम जान लेते हैं हमारा जो असली विषय है आज का, वह है अघोष और सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें मैं स्वर और व्यंजन के बारे में बताने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आइए जानेंगे अघोष वर्ण क्या है। पहले अघोष में जो लगा हुआ घोष शब्द है उसके बारे में जानते हैं। देखिए जो घोष है, घोष का मतलब ही होता है नाद, स्वर, आवाज, गरज। तो घोष का मतलब हो गया आवाज या नाद। अघोष का मतलब है जिन ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्र है हमारा, जहां से आवाज आती है, उसमें कंपन अगर नहीं हो, अगर उसमें कोई हिलाव डुलाव न हो, अगर उसमें किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया न हो, तो ऐसे वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। अ मतलब नहीं, अ उपसर्ग लगा है, घोष मतलब आवाज, नाद। अब नाद का संबंध कहां से है? स्वर तंत्र से, जो हमारे स्वर की मशीन है, उस मशीन से। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, अगर उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, तो ऐसे अक्षरों को हम अघोष कहते हैं। अब जानेंगे कि अघोष कौन कौन से हैं। तो देखिए अघोष में ये जो पांच वर्ग मैंने बताए, ये वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। पहले को यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया, ये नंबर थ्री हो गया, ये नंबर फोर हो गए, ये नंबर फाइव हो गए। ये कहां से कहां तक? इन यहां तक की मैंने बात कर ली, मत इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर के म तक के अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारे मुंह के अंदर की जो हमारी जो प्राण वायु है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके तब बाहर आती है। तो इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श करने के नाते स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में पांच वर्ग हैं, क च ट ट प, हर एक वर्ग में पांच पांच अक्षर हैं। अक्षर नंबर वन हर एक वर्ग का क च ट ट प, ऐसे ही अक्षर नंबर टू ख छ ठ थ फ, अक्षर नंबर तीन ग ज ड द ब, अक्षर नंबर फोर घ झ ढ ध भ, अक्षर नंबर फाइव अंग अण न म। अब इन पांच अक्षरों को पंचमाक्षर भी कहा जाता है, नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। याद रखिए नासिक जो महाराष्ट्र का एक जिला है उसका नाम याद रखिए। तो और दूसरा ट्रिक है ये कि नाक से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये अंग य अण न म, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन भी कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं अघोष और सघोष की। ये पांच नंबर डालने बहुत जरूरी थे अघोष और सघोष के लिए। स्वर तंत्र में कंपन न हो वो अघोष है। अब ये जो पांच अक्षर हैं, पहले हर एक वर्ग का पहला अक्षर क च ट ट प, जिनके नाम से इनके वर्ग का भी नाम है, ये पांच अक्षर और सभी वर्ग के दूसरे अक्षर, यानी पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये फाइव लेटर्स और ये फाइव लेटर्स, फर्स्ट टू लेटर्स यानी पहले दो अक्षर हर एक वर्ग के क ख च छ ट ठ द त थ प प, ये अघोष है। और इनके बाद यानी इनको बोलने में स्वरतंत्र में कंपन नहीं होता। अब इसके अलावा कौन कौन से अक्षर और हैं जिनको बोलने में स्वरतंत्र में कंपन नहीं होता? श, तालव्य श जिसको हम कहते हैं,
सामान्य भाषा में शरबत वाला श, मूर्धन्य क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसका नाम मूर्धन्य रखा गया, ये वाला श, और ये दंत स, तालव्य मूर्धन्य दंत, ये तीनों श भी आ जाते हैं अघोष में। तो यहां मैं लिख दिया अ, अघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से हो गए? सभी वर्ग के पहले अक्षर, सभी वर्ग के दूसरे अक्षर, और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन में तीन अक्षर, ये ऊष्म व्यंजन है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? हालांकि मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह के अंदर से निकलने वाली जो हवा है या प्राणवायु जिसको कहते हैं, उसका घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण गर्मी उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इनका नाम संघर्षी व्यंजन भी, इनका नाम रखा गया है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। एक संघर्ष होता है, एक घर्षण होता है, एक घिसाव होता है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अघोष पहला, यानी किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और उसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन के तीन अक्षर खाली, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये सघोष हो गए। अब हम बात करेंगे, सॉरी ये अघोष हो गए, अब हम सघोष की बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, स मतलब साथ या साथ, घोष का मतलब है नाद। अब नाद कहां से उत्पन्न होगी? स्वर तंत्र से। स्वर तंत्र यानी स्वर की जो मशीन, जहां से हमारी हम ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जो हमारा वोकल कार्ड है, वहां से सघोष। अब ऐसे व्यंजनों की बात, या ऐसे वर्णों की बात की जाए कि जिनके उच्चारण में घोष उत्पन्न हो या स्वर तंत्र कार्य करे, तो ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र यानी कि वोकल कार्ड में कंपन होता है, हिलाव डुलाव होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आइए जानेंगे वे कौन कौन से हैं। सघोष में जैसा कि आप पहले आ जाइए स्पर्श व्यंजन में, ये जो 25 अक्षर हैं, पहला और दूसरा मैंने पहले से ही ले लिया, बचे कौन कौन से? बच गए तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, जिनको मैंने सर्कल नहीं किया, यानी ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण त द ध न भ भ म, ये जो अक्षर हैं ग घ ङ ज झ ञ, इसी तरह से ड ढ ण द ध न भ भ म, ये जो हैं 15 अक्षर, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, ये जो है 15, ये सघोष है। तो शॉर्टकट में कैसे याद करने के लिए कैसे लिखेंगे, तो भैया देख लीजिए, एक कलर की स्केच पेन यूज करता हूं उसके लिए। ये हो गए 3 4 और 5, तो ऐसे याद रखिए 12, ऐसे याद रखिए 345, जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो 12 345, जैसे आप किसी फ्रेंड का जो खास होता है उसका नंबर याद रखते हैं, वैसे ही यहां पर 12 और 345 याद रखिए, कभी नहीं भूलेगा। 12 से अघोष, पहले अघोष कर लीजिए, क्योंकि स्वर में सबसे पहले हमारे वर्णमाला का पहला लेटर आता है अ, इसलिए मैंने अघोष को पहले लिखा और सघोष को बाद। तो याद रखिए, नंबर में भी हमारी गिनती पहले 1 से स्टार्ट होती है, याद रखिए 1 से स्टार्टिंग, यानी वर्णमाला भी अ से स्टार्ट। तो अ से आने वाला नाम पहले 1, जैसे गिनती में पहले 1 आता, तो याद रखिए 12 जब आएगा तो सघोष मत समझ लीजिएगा, पहला वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ऐसा मत समझिए, वो किसमें है? अघोष में है।
इसका भी पहला लेटर, इसका भी पहला नंबर। तो याद रखिए, जहां पहले पहले की बात की जाए वो अघोष है, सघोष। उसके बाद जो बचा वो सघोष। तो वर्ग में, पांचों वर्ग में से पांचों वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क, च, ट, त, प और क्या ख, छ, ठ, थ, फ, ये 10 अक्षर और एक ये ऊष्म व्यंजन का 11, 12 और 13, ये 5 अक्षर, ये 5 अक्षर, ये 5, ये 5, 10 और 3, 13 अक्षर अघोष हैं। सघोष जान लीजिए, 345 यानी 5, 5, 10, 5, 15, 15 वर्ण तो यही हो गए। अब सघोष में क्या बचा ये देख लीजिए। मैंने इन तीनों की बात तो अघोष में की, लेकिन इसकी बात नहीं की। लेकिन इसके भी पहले क्या आया, इसके पहले य, र, ल, व आया, जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो लिख सकते हैं य, र, ल और व, ये 4 अक्षर, ये 5, 5, 10 और 5, 15 अक्षर, ये 4 अक्षर, ये 19। 19 के बाद अभी ऊष्म व्यंजन में मैंने वहां पर 3 लिया था, एक बचा है ह। याद रखिए हमेशा ह जो है वो सघोष है। तो 345 में यहां तक खत्म। इसके बाद वाली लाइन याद रखिए, 4 अक्षर की अंतस्थ व्यंजन जिसको कहते हैं य, र, ल, व, और उसके बाद जो बचा उसमें से खाली ह। तो ये क्रम से हो जाएगा और याद रहेगा। अब सघोष कहते किसे, शायद इसको मैंने बताया आपको कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन हो, उसमें हिलाव डुलाव हो, वह कार्य करे, उन्हें हम सघोष कहते हैं। अघोष में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। अब आ जाइए अल्प प्राण और महाप्राण पर। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्प का मतलब होता है छोटा और महा का मतलब होता है बड़ा, महान, बड़ा, बिग। अल्प का मतलब छोटा है, प्राण से मतलब है प्राण वायु, हवा कह लीजिए या ताकत कह लीजिए, जो हम प्राण वायु को निकालने में यूज करते हैं, जो भी कहना, ये समझने के तरीके हैं। अल्प प्राण, तो ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुंह से या कम प्राण वायु निकलती है बाहर, मुंह से प्राण वायु कम बाहर निकलती है या वायु कम बाहर आती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको बोलने में ज्यादा आती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। हां, सघोष में एक चीज छूट गई, ये जो जितने हमारे स्वर हैं 11, ये सारे सघोष में आते हैं। तो लिख लीजिए पूरे स्वर, ये सघोष हो गए। वो भूल रहा था मुझे, अभी नजर गई इधर तो याद आ गया, स्वर भी जो है वो सघोष है। अब अल्प प्राण की हम बात कर रहे थे। अल्प प्राण में अब कौन कौन से अक्षर हैं जो अल्प प्राण है। देखिए, लिखते समय मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल किया है, अघोष को पहले लिखा, सघोष को बाद में लिखा, अल्प प्राण को पहले लिखा, महाप्राण को बाद में लिखा। ऐसे ही इधर अल्प प्राण, अब मैं अल्प प्राण पहले क्यों बता रहा हूं, महाप्राण पहले क्यों नहीं बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक ट्रिक है, बताता हूं। अल्प प्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर की प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में देख लेते हैं कि कौन कौन से अक्षर होते हैं। अब अल्प प्राण थोड़ा सा अघोष से डिफरेंट है। अघोष में स्वर तंत्र में कंपन होता था, पहले और दूसरे वर्ण को हमने ले लिया। अल्प प्राण थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा ध्यान दीजिए, दूसरे पेन से लिखता हूं। अल्प प्राण में ये देखिए, 1, 3 और 5 नंबर, यानी एक एक लेटर का गैप करके दूसरा लेटर, यानी पहला वर्ण दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण,
पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। नंबर क्या बन गया? 135। अब अभी वर्णमाला का स्टार्टिंग लेटर है इसलिए इसकी गिनती भी मैंने स्टार्टिंग से ही चालू कर दी नंबर वन से, याद करने में भी इजी रहेगी। जिसमें 135 नंबर या आता है वो याद रखिए, वर्णमाला के हिसाब से पहला नाम अ आता है, पहला अक्षर अ आता है, अ से शुरू होता है अल्प प्राण। हमेशा याद रखिए जिसकी गिनती जिसमें 1, 3, 5 वाला पांच वाली संख्या आती है वर्णों की, वर्णों का क्रम आता है, वो जो है अल्प प्राण होता है, वो महाप्राण नहीं होता। अ पहला, तो इसकी गिनती भी पहले से, पहला तीसरा और पांचवा, यानी पहला तीसरा पांचवा कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर, कितने अक्षर हो जाएंगे? तो पांच वर्ग है पहला अक्षर, तो पहला अक्षर पांचों के पांच लेटर क च ट त प, तीसरा ग ज ड द ब अंग य ण न म, तो 5, 5, 10 और 5, 15 ये हो गए। अब महाप्राण भी साथ साथ देखते चलिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। महाप्राण नाम से ही पता चल गया, प्राण का मतलब प्राणवायु, महा का मतलब ज्यादा, तो ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु ज्यादा मात्रा में बाहर आती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। तो अब महाप्राण में मेरे ट्रिक पर मत जाइए, समझने के लिए समझिए, अच्छी तरह से कंटेंट मेरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब हर एक टीचर के सिखाने का अपना अपना तरीका होता है, बोलने की स्टाइल होती है अपनी, ठीक है। कितने लोग कमेंट लिखते हैं कि सर आप बड़ा स्लो पढ़ाते हैं, बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। भैया धीरे धीरे नहीं बोलेंगे तो ये बच्चे जिनको समझ में कम आता है वो कैसे समझेंगे? एकदम फास्ट जाएंगे कि मैं पीएचडी हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी पीएचडी इधर झाड़ दूं। चलिए आइए देख लेते हैं, महाप्राण का मतलब है, बता दिया महाप्राण में। अब महाप्राण में क्रम क्या आएगा वो देख लीजिए। तो 1, 3, 5 तो इसमें हो गया, छूटा क्या? 2 और 4, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, तो ये हो गया 24। 135 और 24, इधर क्या ये रखना है? 1, 2, छूटा क्या? ये देखिए क्रम से है, अघोष और सघोष में 1, 2, 3, 4, 5, यहां क्या? एक एक छोड़ते जाइए, 1, 3, 5 और जो बचा क्या? 2 और 4, ये दिमाग में रखिए। अब पहले अघोष और सघोष कर लीजिए, फिर अल्प प्राण महाप्राण करिए, इजी जाएगा। वहां क्रम से है 1, 2, 3, 4, 5, यहां क्या? एक एक छोड़ के 1, 3, 5, 2 और 4, ठीक। अब बचा क्या? अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं? हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे अक्षर जिनको बोलने में मुंह के अंदर की प्राणवायु किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो चलिए जो भी समझ लीजिए, ये चार अक्षर हैं य र ल और व, इनको भी लिख लीजिए य र ल और व। अब जाहिर सी बात है कि YouTube पे भैया सबसे ज्यादा चीज चल रही है आजकल ट्रिक की। कोई भी यूट्यूबर अपनी वीडियो लगाता है तो उसमें थंबनेल में पहले ही लिखता है ट्रिक, और उससे व्यूअर्स पागल की तरह टूट पड़ते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसमें ट्रिक क्या है। य र ल और व लिखने के पीछे और याद करने के पीछे क्या ट्रिक, असली चीज होती है याद करना। अल्प प्राण में मैंने बताया 1, 3, 5, अब 5 मतलब ये वाली लाइन, यानी आखिरी लेटर म आएगा, म जब यानी अंग य ण न म, म से खत्म हो जाएगा, यानी पहला लाइन क च ट त प, यानी पहले कैसे करेंगे? पहले वर्ग का क, तीसरा अक्षर ग और अंग, दूसरे वर्ग का च ज और इ, ये देखिए क ग अंग च ज इ ट ड अ
न त द न प ब सॉरी प ब ब म प ब म पहला तीसरा और पांचवा ये हो गए। म से खत्म होने के बाद कौन सी लाइन आएगी? य र ल व, इसलिए याद रखिए 1 3 5 ठीक है 1 3 5 और उसके बाद य र ल व क्लियर। आगे आ जाइए महाप्राण में बचा क्या? दूसरा और चौथा अक्षर। और उसके बाद क्या बचे? सारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अब देखिए अघोष में ह प्रयोग नहीं होता था लेकिन महाप्राण में मैंने सारे ऊष्म व्यंजन डायरेक्ट ऊष्म लिख दिया। ऊष्म क्या? व्यंजन। ठीक है तो मैं समझता हूं आज की वीडियो में बड़े सारे कमेंट्स आ रहे थे। सालों पहले मैंने वर्णमाला की वीडियो बनाई थी जब मैंने नया नया अपना चैनल चालू किया था। वर्णमाला वर्ण वर्ण और वर्णों के प्रकार ये सब वीडियो मेरे काफ़ी हिट गए और काफ़ी लोगों ने देखे उसको, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी भी मेरा मतलब जो हौसला अफजाई कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में 4-5 नंबर के प्रश्न 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और बड़े कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे विद्यार्थियों के कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, अल्पप्राण महाप्राण पर वीडियो आपकी नहीं है, अघोष अघोष पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि बना ही देते हैं। और यूट्यूब पर तो बहुत सारे अघोष अघोष की भरमार पड़ी है वीडियोस की, और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सारे वीडियो से थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट लगेगा ही। और देखिए कि इसमें क्या यूनिक है, क्या नई चीज है सीखने की। आगे और विषयों का अध्ययन करके अन्य नए और रोचक विषयों के साथ मैं फिर से आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।